हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए केरला साड़ी जो है वाइट कलर की होती है और उस पर गोल्डन कलर की बॉर्डर होती है जो कि इस साड़ी पर चार चांद लगा देती हैं, तो ये ट्रैप लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके की वाइट कलर की साड़ी है, पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद आती है और गोल्डन कलर की जो है तो इसकी बॉर्डर है। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, मैंने ये वीडियो दो बार शूट किया फिर भी इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आई, क्योंकि ये वाइट कलर है और सामने की तरफ से लाइट्स वगैरह होते हैं तो ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जिस तरीके से मैं इसको ड्रैप करती हूँ तो वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो वीडियो जो लाइट्स वगैरह थे तो थोड़े कम करने पड़े, तो इसकी वजह से इसकी जो क्वालिटी है थोड़ी सी अलग आपको दिखाई देगी। सो देखिएगा, इस तरीके से मैंने फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है और जो पल्लू का पोर्शन है अब हम इसको लेंगे। और ये जो साड़ी है ये कॉटन की है, प्योर कॉटन है ये, तो इसलिए ये साड़ी थोड़ी सी फुली फुली इसका टेक्चर हमारा आता है। सो इसको ड्रैप करना इजी है लेकिन फिर भी फुला फुला लुक आता है। अगर आप इसको अच्छे से ड्रैप करोगे तभी ये आपको फुला फुला लुक नहीं देगा। सो इस तरीके से अब मैं क्या करूँगी, इसके जो पल्लू के प्लेट्स है उसको बना लूँगी। वन बाय वन हमें पल्लू के प्लेट्स को बना लेना है, बीच में 1-1 इंच का गैप छोड़ते हुए अच्छे से इसको सेट कर लेना है। और ये ड्रैपिंग बहुत ही सुंदर और उभर कर देती है। मैंने इस पर थोड़ा सा इसको केरला स्टाइल लुक देने के लिए थोड़ा सा उसी तरीके का मेकअप भी किया है। सो पल्लू के प्लेट्स को बनाने के बाद अब हम इसको सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे और बाद में ये जो नीचे का पोर्शन है इसको हमें अच्छे से सेट कर लेना है। और ये जो बॉर्डर आती है इसको इस तरीके से कमर से हम सामने की तरफ लेकर आएंगे और यहाँ पर अब हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ ये साड़ी लेकर जाना है, क्योंकि ये साड़ी बहुत ही फुली फुली लुक दिखाई देता है और कॉटन की साड़ी होने के कारण ये चिपक जाती है। सो इस तरीके से यहाँ पर अब मैं एक पिन से इसको सिक्योर कर लूँगी ताकि हमारे जो लुक है यहाँ पर कमर का लुक अच्छे से उभर कर दिखाई दे, बॉर्डर भी अच्छे से सेट हो जाए। इसलिए अब यहाँ पर इस तरीके से हम इस कपड़े को खींचेंगे। ये कॉटन की साड़ी है, जिस तरीके से हम कॉटन की साड़ी ड्रैप करते हैं सो इस तरीके से अगर हम ड्रैप करेंगे तो यहाँ पर हमारा लुक अच्छे से दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा। सो इस तरीके से बनाने के बाद अब हम साड़ी के जो प्लेट्स हैं उसको बना लेंगे। प्लेट्स हमें अच्छे से देख सकते हैं, नीचे से मैंने एक पैर रखा हुआ है प्लेट्स पर, क्योंकि ऊपर ये फुला फुला लुक इससे आता है। तो इस तरीके से अगर आप पैर रखोगे नीचे से और आप सामने प्लेट्स बनाओगे तो इजी हो जाता है प्लेट्स बनाना कॉटन की साड़ी के साथ। सो इस तरीके से बना लेंगे और इसको अब हमें अच्छे से सेट करना कर लेना है। जो पीछे की ये जो कपड़ा है पीछे का एक प्लेट्स हम इसे कह सकते हैं, तो इसको अब हम इस तरीके से ड्रैप कर देंगे। सो इससे मेरा इस यहाँ पर लुक और भी अच्छे से और नेट एंड क्लीन ले आ जाएगा। अब सारे प्लेट्स को हमें इक्वली सेट कर लेना है और हाथ से प्रेस करते हुए उसे अच्छी तरीके से सेट करना है ताकि इसका जो फूला फूला टेक्सचर आता है ये थोड़ा सा कम हो जाए। और सामने की जो दो प्लेट्स हैं मैंने थोड़ी सी नीचे रखी है ताकि एक तरफ से हमारी साड़ी जो ऊपर चली जाती है तो वो नहीं आएगी। सो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, इन सारी प्लेट्स को अच्छे से सेट कर लेंगे। पहले सेट करेंगे अच्छे से, इसको थोड़ा सा वक्त देंगे तभी इसकी ड्रैपिंग अच्छे से आएगी। सो यहाँ पर मैंने कमर में टकिंग कर दिया है और सामने से यहाँ पर एक पिन लगा कर इसको सेट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर लाइट कम ज़्यादा करके हमने देख लिया फिर भी ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करता है। सो इसके लिए थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर अब हम पल्लू के जो प्लेट्स है इसको भी यहाँ पर सेट कर लेंगे और इस तरीके से फाइनली हमारी ड्रैपिंग कंप्लीट हो जाएगी। और कुछ ज़्यादा वक्त न लेते हुए हमारी ड्रैपिंग कंप्लीट हो चुकी है और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर का ब्लाउज़ पहना है जो कि स्लीवलेस है। मैंने यहाँ पर एल्बो स्लीव ब्लाउज़ पर भी इसका लुक दिखाया है, आगे आप वीडियो में देख सकते हैं, और ओपन पल्लू भी इस साड़ी पर दिखाया है। सो इस तरीके का लुक हमारा आएगा और ट्रेडिशनल लुक देने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मेकअप उसी तरीके का मैंने करने का प्रयास भी किया है। तो देखिएगा इस तरीके की ड्रैपिंग हमारी आती है, कॉटन के साड़ी की ड्रैप जिस तरीके से हम करते हैं वो भी लुक हम इसे कह सकते हैं। और इसके प्लेट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही प्यारा लुक यहाँ पर इस साड़ी पर आता है। आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, आप फंक्शन में भी इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत सुंदर लुक ये देता है। और
बहुत प्यारी ये साड़ी लगती है, मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आई और बहुत सुंदर लग रही थी। हालांकि ये कैमरे में इतने उभर कर, वीडियो में इतनी उभर कर नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि ये रिफ़्लेक्ट हो जाता है वाइट कलर होने के कारण। और बहुत ही सुंदर इसका टेक्सचर है, कॉटन की है और मैंने ये अमेज़ॉन से परचेस की है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहे तो इसे परचेस कर सकते हैं। सो देखिएगा इस तरीके का लुक यहाँ पर मेरा आया है। अब यहाँ पर ओपन पल्लू में भी ये साड़ी बहुत सुंदर लगती है, आप चाहे तो इस तरीके से सिंगल प्लेट भी रख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा और बहुत ही प्यारा लुक यहाँ पर देता है। और एल्बो स्लीव्स ब्लाउज़ में ये इस तरीके का कुछ दिखाई देता है, ये भी लुक बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पर मैंने कॉन्ट्रास्ट कलर में ब्लाउज़ पहना है ब्लू कलर का और बहुत ही सुंदर और प्यारा लुक यहाँ पर भी आया है। तो आपको कौन सा लुक पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।